नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो सबको। और देख सकते हैं रावण बिल्कुल तैयार जो है वो हो चुका है, और कुंभकर्ण और मेघनाथ भी जो है आप देख सकते हैं आसपास, जिनकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, लोगों को आप देख सकते हैं। और इतना ऊंचा रावण जिसकी ऊंचाई लगभग 70 से 75 फीट है, जो कि काफ़ी खूबसूरत इस बार बनाया गया है। जैसा कि आपको बताया था, अब आँख से, मुंह से और मुकुट से भी आग जो है वो रावण उगलेगा। और देख सकते हैं आसपास जो लोग हैं वो कितनी ज़्यादा तादाद में दिन के समय ही पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुबह के समय, जहां पर पहले से ही जो लोगों का तांता यहां पर लग चुका है और बाज़ार बड़ा अच्छे से सज चुका है। लेकिन किस तरीके से जो है यहां पर लोग तस्वीरें भी जो है वो खिंचवाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। सभी मोबाइल फ़ोन्स अपने इस्तेमाल कर रहे हैं और रावण के साथ, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ जो है तस्वीरें यहां पर उनके जो पुतले उनके साथ खिंचवाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हालांकि देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर भी अलग खुशी है, क्योंकि ये वही दिन है दोस्तों जब हम बचपन में ऐसे ही घूमने के लिए आया करते थे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम खरीदने के लिए आया करते थे अपने मम्मी पापा के साथ, और बच्चे भी जो हैं बड़े ही जो हैं आज खुश हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के भी चेहरे पे बहुत ही अच्छी मुस्कान है, और ये वही बचपन होता है जब हम अपने पिता के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ निकलते थे। और यहाँ पर बाज़ार भी बहुत ही अच्छे से सजे हुए हैं। लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में करनाल के सेक्टर 4 में पहुँचे हुए हैं रावण को देखने के लिए। जब पता लगा कि रावण जो है यहाँ पर बिल्कुल, आज जो आप देख सकते हैं उनके स्टैचू बिल्कुल खड़े जो हैं फ़िलहाल कर दिए गए हैं, और शाम को जो है रावण दहन जो है वो होना है। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पर आज बच्चे ये खरीद रहे हैं, और बड़ा ही ज़रूर ये प्यारा नज़ारा है। देख सकते हैं छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें जो हैं यहाँ पर ज़रूर बेची जा रही हैं। तो सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और सभी जो बच्चे हैं अपने मम्मी पापा के साथ आज ज़रूर आएँ करनाल के सेक्टर 4 में। और फिलहाल देख सकते हैं बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल ज़रूर है, और कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज सुबह सुबह आ गए रावण देखने? और क्या, देखने आ गए बस सुबह सुबह बच्चों के साथ। मगर चल, बाद में भीड़ होगी तो ये भी देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कैसा नज़ारा है? लोग काफ़ी आए हैं, पब्लिक इस टाइम हज़ारों की तादाद में। इस टाइम मेरे को लग रहा है इसी समय ही काफ़ी पब्लिक हो गई है। हाँ, इस टाइम शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा होगी, इस टाइम हाईवे भी जाम हो जाएगा इस टाइम तो शाम के टाइम। ये जो मेले का नज़ारा देखकर बचपन याद आता है, पिताजी के साथ आया करते थे? हाँ, देखा पहले भी, देखा फिर सेक्टर 16 में भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिलहाल देख सकते हैं तैयारियां जो हैं वो पूरी लगभग हो चुकी हैं। कैसा बाजार लगा है ये भी ज़रूर दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ साथ जो भेलपूरी का मज़ा है वो भी फिलहाल लेने के लिए आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, क्योंकि भेलपूरी वाले भैया भी जो है भेलपूरी आज बेच रहे हैं, और लोग भी जो है उसका आनंद ज़रूर उठा रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी रौनक हो गई है दिन दिन के अंदर ही, और वाकई में ही बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। सैकड़ों की तादाद में तो खाने पीने के स्टॉल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गोलगप्पे वाले भैया भी आप देख सकते हैं, गन्ने का जूस पीना हो तो वो भी यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। और फिलहाल देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरीके से लगातार ज़रूर जो है वो फ़िलहाल ज़रूर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर हैं, और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और क्या कुछ है, पहले से ही इसकी तैयारियां देख लीजिए। यहां पर सेक्टर 4 में दिन में ही कितनी ज़्यादा भीड़ जो है वो देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि शाम के समय में किस तरीके की जो है वो भीड़ होगी। लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं, देख सकते हैं हर तरह की खाने पीने का जो साजो सामान है वो यहाँ पर ज़रूर लगा हुआ है, और लोग जो है वो लगातार जो है फ़िलहाल पहुँच रहे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ जो है वो पहुँच रही हैं दिन के समय में ही। और फिलहाल जो माता पिता हैं अपने बच्चों को पहले ही जो है एडवांस में दिखाने के लिए ज़रूर लेकर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बड़े ही प्यारे प्यारे यहाँ पर जो ये हवा लगने के बाद ये खुद इसे बना रहे हैं। भैया, आप ये खुद ही बनाते हो? कहाँ से हो? बम्बई। बम्बई से? बम्बई से? बम्बई। अच्छा, वहाँ से आए हो? हाँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा विक्की। अच्छा, तो ये आप खुद ही बनाते हो, इसको क्या बोलते हैं? पंखे हैं? पंखे। पंखे ही बोलते हैं। तो देख सकते हैं ये खुद ही यहाँ पर बना रहे हैं, क्या बोलते हैं इसे? चक्री। चक्री। चक्री।
चक्री बोलते हैं, वो हवा वाली चक्री है यहाँ पर ये तैयार कर रहे हैं, तो देख सकते हैं। तो बड़ा ही नज़ारा है, ये सारा बचपन में हम देखते थे। अगर आपको शकरकंदी खानी है तो शकरकंदी भी यहाँ पर ज़रूर है। तो आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं अभी सुबह सुबह ही आए हैं, बच्चों के लिए खिलौने जो हैं उन्हें लेकर ज़रूर दे रहे हैं माता पिता। और बहुत ही ये देख सकते हैं हर तरह की चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर है। तो उसके अलावा देख सकते हैं लगातार गाड़ियाँ पहुँच रही हैं सुबह के समय में ही, काफ़ी हालांकि उम्मीद नहीं लगाई थी लगातार खाली होगा। तो टॉयज़ की शॉप है सामने, टॉयज़ हैं बच्चों के लिए हर तरह की, और काफ़ी बड़ा जो बाज़ार है वो यहाँ पर लग गया है, काफ़ी लंबा बाज़ार जो है यहाँ पर लग गया है। देख सकते हैं काफ़ी शानदार, महिलाओं के लिए भी साजो सामान है और जो छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए मम्मी पापा के साथ। और बाज़ार आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाकर जो है एक एक चीज़ देख सकते हैं। दिन में ही फ़िलहाल पहुँचे हुए हैं तो कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास जरूर करेंगे। भैया आप मॉर्निंग में अभी आए हो परिवार के साथ, वैसे तो शाम को होता है तो आज दिन में ही सोचा आने के लिए। हाँ तो ऐसा होता है शाम को रश ज़्यादा हो जाता है तो इसी करके बच्चों। अच्छा, इसीलिए परिवार को घुमाने लाए, दिन में लाए। हाँ जी बिल्कुल, देख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं यहाँ पर अपने खिलौने ले रहे हैं। तो सभी अपने मम्मी पापा के साथ आएँ और बड़ा ही नज़ारा, शानदार नज़ारा है देख सकते हैं। अगर आपको कीरिंग लेना है, कीरिंग है यहाँ पर। आपको कोई क्रॉकरी से जुड़ा हुआ सामान लेना है तो है यहाँ पर। आपको घर की डेकोरेशन से जुड़ा हुआ कोई सामान लेना है तो यहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे उनके लिए तो लगातार जो है यहाँ पर ढेर सारे खिलौने हैं, ढेर सारे खिलौने। और खिलौने देखकर आपको भी अपना बचपन ज़रूर याद आया होगा। जिस जिस को अपना बचपन याद आया हो वो ज़रूर कमेंट में लिखे, लाइक करे, क्या आप भी ऐसे ही आते थे अपने मम्मी पापा के साथ और ख़रीदने के लिए यहाँ पर फ़िलहाल पहुँचते थे। तो यहाँ पर बात करेंगे। जी जी भैया जी, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? नाम तो सेक्टर 4 से है सर जी। सेक्टर 4, तो आज दिन में ही आ गए? हाँ जी दिन में ही, क्योंकि दिन में ऐसे ना छीड़ रहती है। हाँ जी? छीड़ रहती है ना दिन में। हाँ हाँ, शाम को भी भीड़ हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो दिन में घुमाने आए परिवार, परिवार घुमाने आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर दुशहरा जो है सभी लोग, क्योंकि शाम को सबको मालूम है भीड़ हो जानी है, तो देख लीजिए महिलाओं के सारे सामान, साजो सामान। इधर हनुमान की गधा आप देख सकते हैं, राम का तीर देख सकते हैं और ऐसे ही सामान है। ये आंटी जी हैं यहाँ पर पहुँची। आंटी जी कहाँ से हैं आप? यहीं से करनाल से, 16 सेक्टर से। सेक्टर 16 से? हाँ जी 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 बिल्कुल। तो आज तो पूरी रौनक शुरू हो गई। हाँ जी, सुबह से ही हो गई। हाँ सुबह से रौनक, सुबह से ही रौनक शुरू हो गई। और आपको सबको ढेर सारी बधाइयाँ हों। तो सभी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे इस दुशहरा विजयदशमी के बाद आपकी दीपावली भी जो है खूब अच्छी जाए। देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो टॉयज़ हैं इस सब में हवा भरते हुए यहाँ पर ज़रूर दिख रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मुकुट हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। बच्चे इनको देखकर जो है, आपने भी कभी ना कभी इनको ज़रूर पहना होगा, किसी ना किसी को ज़रूर डराया होगा। तो फ़िलहाल सभी से हम ये निवेदन करना चाहेंगे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। काफ़ी अच्छा बेहतरीन तरीके से बाज़ार जो है वो सजा है और काफ़ी बड़ा बाज़ार सजा है और लोग भी बहुत ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। लोगों से हमारी बात हुई, लोगों के बच्चों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि हर चीज़ जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ, इंतज़ाम भी अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है फ़िलहाल अगर आपको ई रिक्शा वगैरह भी अगर चाहिए तो यहाँ पर सेवा सुविधा ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी जाना हो तो फ़िलहाल यहाँ पर सभी से ना चाहेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे आई बी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।